ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम आपको सिर दर्द के जो रोगी हैं उन पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि सिर दर्द से जो पीड़ित भाई बहन हैं वो कैसे अपना इलाज स्वयं करा लें अपने परिजनों से, या कोई ऐसे करने वाले ना मिले तो यहाँ आप आकर के इस तरह अपने सिर दर्द को ठीक करा सकते हैं। जो वर्षों से सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं, महीनों से रहते हैं, या कई दिन से हैं, आधा सीसी है, पूरा सीसी है, या चक्कर आते हैं, माइग्रेन है, इन तीनों तरह की समस्या से जो जूझ रहे हैं वो इस विधि से अपने किसी परिजन से सेवा ले लें या हमसे सेवा ले सकते हैं। ये विधि अचूक है। हाँ, अगर किसी को ट्यूमर है सिर के अंदर तो फिर डॉक्टरी इलाज की ही मैं सलाह दूंगा। बाकी ये बिना दवाइयों के सिर दर्द का इलाज है, चक्कर आते हो तो देखिए ये पीछे नसें हैं। इसमें व्यक्ति का स्वयं का तप और त्याग, प्राणायाम का अभ्यास, उसके द्वारा अपनी शक्ति जिसे हम रेकी भी कहते हैं, रेकी के द्वारा रोगी का इलाज किया जाता है। अपनी ऊर्जा दूसरे रोगी के अंदर समाहित करनी होती है, भेजनी होती है, उस विधि से ये सिर दर्द ठीक होता है। तो ये कैसा भी सिर दर्द हो, व्यक्ति का तड़प रहा हो, बहुत परेशान है, वो ठीक होना ही होना है। परमात्मा ने मुझे सैकड़ों रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य दिया है। वास्तव में करता तो वही ऊपर वाला है ठीक, लेकिन मुझे इसमें माध्यम बना दिया है परमात्मा ने, और मैं भी जिस तह दिल से आत्मीयता से रोगी का इलाज करना चाहता हूँ तो हो सकता है परमात्मा भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच के मेरी मदद करते हों कि ये रोगी का हित चाहता है तो मैं भी क्यों ना इसमें और धक्का लगा दूं। तो सज्जनों, मैं फिर आपको बता दूं, कैसा भी सिर दर्द हो बशर्ते कि ट्यूमर ना हो, सिर में पीछे रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। कईयों को मेरे पास पेशेंट आते हैं कि यहां सिर दर्द होता है जी, बस केवल ये जो माताएं बहनें मांग भरती हैं इस हिस्से में, ये सबसे मुश्किल हो जाता है करना, ठीक करना, इसको कंट्रोल करना, उसको हम इस विधि से ठीक करते हैं। ये सिर दर्द ने तो आज तक कोई ऐसा पेशेंट हुआ नहीं जिसका सिर दर्द ठीक ना हो। बाकी आप अगर सेवा यहां लेना चाहें, यहां या अपने स्वयं परिजन, कोई ऐसा कोई बेटा आज्ञाकारी हो, कोई सेवा भाभी हो, कोई बेटी हो, कोई बहू हो, जो भी अपने परिजन होते हैं वो कोई आपको ऐसी सेवा दे सके। हाँ, इसमें माताओं बहनों के थोड़े बाल जरूर उलझ से जाते हैं, उन्हें बाद में सुलझाने में थोड़ी देर लगती है, ये भी मेरा अनुभव रहा है। तो आप इस विधि से ये टॉप का जो सिर दर्द होता है वो, और ये यहाँ से पीछे से थोड़ा, भाई मेरी तरफ पीछे दबाव दीजिए सिर का, सिर से मुझे धकेलिए पीछे को ऐसे, क्योंकि पीछे सिर में गोलाई है और वो गोलाई जैसे ही हाथ पीछे आते तो सिर आगे को फिसल जाता है। आप मुझे पीछे धक्का देते रहेंगे तो मेरे हाथ आपको अच्छे से मसल्स को दबाएंगे। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ सजनों, इसमें पेट गैस का बहुत बड़ा रोल होता। थोड़ा चेहरा ऊंचा उठाइए भाई। पेट गैस होती है जिनको, पेट साफ ठीक से नहीं होता, मल सड़ता है, विधिवत दोनों समय पेट साफ नहीं करते, ऐसे रोगियों को वो गैस सिर में चढ़ती है और वो सिर दर्द होता है। मांसपेशियों में जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं सिर की, उनके अंदर कहीं ऑक्सीजन और ब्लड का प्रवाह जो है, जो फ्लो होता है, वो कहीं धीमा होता है या रुक जाता है, उस वजह से भी ये सिर दर्द होता है। गलत पोस्चर की वजह से सिर दर्द हो सकता है। हम
आगे गर्दन झुका के, आजकल के युवा और युवतियां जो बेटे बेटियां हैं वो मोबाइल में आगे ही झुका के गर्दन लगे रहते, कंधे झुक जाते हैं, तो पोस्चर मुद्रा विकृत होने से भी उनको ये सिरदर्द हो सकता है, कई तकिए लगाने से भी सिरदर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, चक्कर आते हैं। इन तीनों समस्याओं का मैं ये आज इस विधि से इलाज बता रहा हूँ, जो भाई बहन चाहे वो ले सकते हैं। इसके पश्चात हम अगली वीडियो सर्वाइकल के पेशेंट, सर्वाइकल का भी चमत्कारी ढंग से इलाज, जो बेल्ट बांधनी पड़ती है कॉलर बोन वो बांधनी छूट जाएगी, किसी तरह का भी सर्वाइकल हो, कितना भी पुराना हो, परमात्मा की कृपा से यहां जो भी आया है इस देव योग केंद्र पे, उनको मेरे प्यारे परम पिता ने निराश नहीं भेजा। लगभग 1987 से मैं इस सेवा कार्य को कर रहा हूं और परमात्मा की बहुत महान और असीम कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है कि यहां विश्व के लगभग 55-60 देशों के लोग आकर के अब तक ये योग विद्या और ये चिकित्सा पद्धति इसका लाभ उठा चुके हैं। तो आप जिन तक भी मेरी बात ये पहुंच पा रही है उनसे निवेदन है, वो पीड़ित न हो, वो अपनी गाढ़ी कमाई का मोटा हिस्सा हॉस्पिटल्स के अंदर खर्च करने से बच सकें, पीड़ा सहन करने से बच सकें, क्योंकि बड़ा असहाय होता है ये दर्द। मेरे पास आज तक ऐसे ऐसे भी रोगी आए हैं जो 18-18, 16-16 साल से लगातार सिर दर्द माइग्रेन से पीड़ित रहे, आंखों पे पट्टी बांध के महिलाएं चुन्नी बांध के पड़ जाती हैं, घर में क्या हो रहा उन्हें कोई होश नहीं हो। एक बहन तो ऐसी आई जिनकी बेटी की शादी थी और उसके पश्चात उन्हें कोई होश नहीं, घर में बेटी की शादी, बेटी विदा होके चली गई, लेकिन उन्हें फिर भी कोई होश नहीं रहा। और उसके पश्चात किसी सज्जन के माध्यम से वो मेरे पास आई और उन्हें 8-7 दिन लगे ठीक होने में। तो मैं ऐसा भी दावा नहीं कर रहा सज्जनों कि एक ही दिन में चमत्कार हो जाए, कुछ पेशेंट ऐसे हुए हैं सौभाग्यशाली जिनका एक ही दिन में इलाज हो गया, कुछ ऐसे रहे जिनका 2 या 3 सिटिंग में इलाज हो गया, लेकिन किसी किसी को 8-7 सिटिंग भी लेनी पड़ जाती हैं। लेकिन इलाज 100% परमात्मा ने किया है। तो आप सबका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः शुभ नमस्ते।